रॉयल एनफील्ड हिमालयन ओडीसी 2022 अभियान दल आज सुबह दिल्ली से हरी झंडी दिखाने के बाद चंडीगढ़ पहुंचा। 70 से अधिक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों की गर्जना के बीच आज सुबह इंडिया गेट पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन ओडीसी के 18वें संस्करण को रॉयल एनफील्ड के मुख्य ब्रांड अधिकारी श्री मोहित धर जायल ने हरी झंडी दिखाई। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास उमलिंग ला की यात्रा पर 70 सवारियों के साथ उत्तर भारत के कुछ सबसे अधिक सांसों को थमा देने वाले इलाकों के माध्य से हिमालयन ओडीसी 2022 18 दिनों में 2700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले सवारों को अपनी यात्रा पर देखेगा। रॉयल एनफील्ड हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हिमालयन ओडिसी का यह संस्करण अपने सवार समुदाय द्वारा जिम्मेदार यात्रा प्रथाओं को अपनाने के लिए लीव एवरी प्लेस बेटर के लिए जारी रहेगा। 3 साल के अंतराल के बाद वापसी करते हुए इस साल हिमालयन ओडिसी हिमालय में अपनी तरह की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोटरसाइकिल सवारी में सवार दो अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हुए देखेंगे, जबकि दोनों समूहों को दिल्ली से एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। एक समूह सुरम्य मनाली मार्ग के माध्यम से लद्दाख की सवारी करेगा और दूसरा लेह में परिवर्तित होने से पहले बीहड़ सांगला काजा मार्ग को पार करेगा। लद्दाख और स्पीति के माध्यम से सवारी करना मौसम और इलाके के मामले में सवार को चुनौती देगा, साथ ही जीवन भर के रोमांच का अनुभव भी करेगा। पारंपरिक लद्दाख की समारोह में इंडिया गेट नई दिल्ली से बौद्ध लामाओं से आशीर्वाद लेने के बाद राइडिंग दल को रवाना किया गया। ध्वजारोहण समारोह में राइडर्स को आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की गई। इस साल हिमालयन ओडिसी के प्रतिभागियों ने सिंगापुर सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ साथ मुंबई पुणे मदुरे दिल्ली बेंगलोर अनंतपुर और विजयवाड़ा जैसे शहरों से इस महाकाव्य सवारी का हिस्सा बनने के लिए एकत्र हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं मनीष कुमार इस वक्त दिल्ली से चलकर यहाँ पे कुछ राइडर्स यहाँ पर आए हैं चंडीगढ़ ललित होटल में, हमारे साथ मौजूद हैं सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये रॉयल इनफील्ड का हिमालयन ओडिसी हो रहा है 2022 और मेरा नाम सुमित रस्तोगी है। मैं एक रॉयल इनफील्ड राइडर हूँ और ये साल में एक बार होने वाला इवेंट है जो 18 दिन के लिए हम दिल्ली से निकले हैं। इंडिया से हमारा इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ हुआ था और हम 18 दिन के लिए जा रहे हैं एक्सपीडिशन पे। लेह लद्दाख हमारी डेस्टिनेशन है। और चले कहाँ से थे सर? हम दिल्ली से चले हैं, हयात होटल से चले थे और इंडिया गेट से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ है। सर, आपने कब से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि राइडिंग आप जा चुके हो? जी, मैं करीब बाइक राइडिंग 15 साल से कर रहा हूँ और नॉर्थ इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन्स हैं, पहाड़ों में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, तीर्थन वैली हो गई, मनाली हो गया, या फिर राजस्थान में जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ये सारी जगह मैंने कवर करी। क्या आपकी पूरी टीम बनी हुई है सर, मतलब कि सभी राइडर्स की, या फिर कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा समझाएं? तो देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि रॉयल इनफील्ड का अपना कम्युनिटी है, ग्रुप है जिसमें हम एडेड हैं, और फिर हमारे लोकल एरिया के भी ग्रुप होते हैं। तो जैसे मेरा खुद का जो ग्रुप है उसका नाम है दी रोड किंग्स। ग्रेटर नोएडा के जितने राइडर हैं हम लोग एक साथ मिलते हैं वीकेंड पे और राइड करते हैं, मॉर्निंग राइड्स करते हैं ग्रेटर नोएडा के पास, बहुत जगह आसपास जाने की, तो वो भी होते हैं। और ये ऐसे बड़े इवेंट में फिर हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। क्या नाम है सर? हेलो, सुमित कुमार नाम है मेरा। कब से आप राइडिंग कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं 2015 से राइड कर रहा हूँ। शौक एक्चुअली मैं फादर के पास काफ़ी बाइकों का रहता था, तो उनको देख के थोड़ा इंस्पायर हुआ मैं। और जो मेरी पहली राइड थी जो मैंने 15 में किया था, मैं चहल कुफरी गया था, डेट इंस्पायर मी लॉट। और उसके बाद से थोड़ा एक क्रेज़ आया मेरे अंदर और फिर 16 में ही मैंने फिर लद्दाख को ट्राई किया क्लासिक में ही। काफ़ी अच्छा टूर था मेरा क्लासिक खरदुंग, क्लासिक में मैंने लद्दाख खरदुंगला पेंगोंग ये सारा मैंने कवर किया। तो उसके बाद से मेरा पैशन बढ़ता गया। फिर मैंने राजस्थान टूर किया रॉयल इनफील्ड के साथ, 10 दिन का टूर था, अप्रॉक्सीमेटली 2700 टोटल किलोमीटर रन किए थे, एवरेज 300 किलोमीटर पर डे होता था। उसके बाद मैंने आई थिंक नेपाल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ईयर आई थिंक वो भी होगा मेरा। और काफ़ी अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सरोही है। कब से आप राइडिंग कर रहे हैं सर? मैं 2016 से कर रहा हूँ। शौक कहाँ से आया सर? शौक तो बाइकर्स को देख के आया। एक चीज़ और, जब मतलब कि इतने किलोमीटर आप लोग बाइक चलाते हैं तो आपकी पीठ वगैरह मतलब कि तंग, जैसे परेशान हो जाते हैं बंदा, क्योंकि एक 10 किलोमीटर चलाने में बंदा परेशान हो जाता है।
नहीं नहीं नहीं, अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने फील किया हुआ है, आपको ना कमर दर्द होगा ना कुछ परेशानी होगी कभी भी। राइडिंग इज ना ऑल अबाउट पैशन। अगर हम बाइक पे बैठने से पहले सोचेंगे कि हमें 300 किलोमीटर रन कर रहा है बाइक पे, तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्यूटी पैशन हम करते हैं, हाँ हम भी इंसान हैं, कमर में पीठ में दर्द हमारे भी होता है, बट डे आफ्टर जब एक अच्छी सीनिक व्यूज़ मिलते हैं तो वो वर्थ इट हो जाता है। कौन सी बाइक आप इसमें शामिल रहती है आपकी राइड में? मेरी राइड्स में, हमारी राइड्स में बेसिकली सारी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ही रहती हैं, लाइक क्लासिक है, थंडरबर्ड है, मेट्योर है, हिमालयन है। कुल कितने लोग हैं, मतलब टीम है इस टाइम आपकी? इस टाइम फॉलो हम टोटल आई थिंक 83 राइडर्स हैं जो राइड करेंगे बाइक के ऊपर। हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे टूवर्स मनाली, हमारे दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आई थिंक 40 जो पर्सनस हैं, राइडर्स हैं, वो निकलेंगे टूवर्स मनाली, और बाकी 40-45% वो निकलेंगे टूवर्स नारकंडा। रूट वाज सेम, दोनों घूम के एक ही रूट कवर करेंगे हम लोग, ए टू बी और बी टू ए, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर 85 राइडर्स हम लोग जब एक साथ निकलते हैं तो स्टे वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, सो डेट्स वाई ए टू बी ग्रुप हम लोग। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।